मीडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के पहले चरण का उड़ायन परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से हुई। पहले ट्रायल सुबह 8:45 पर होना था, लेकिन कंप्यूटर की गड़बड़ी की वजह से प्रक्षेपण से कुछ समय पहले ही इसे रोक दिया गया था। इसरो ने महज आधे घंटे में तकनीकी गड़बड़ी को दूर कर इतिहास रच दिया है। गगनयान मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद इसरो चीफ ने खुशी जाहिर की है। पहले तकनीकी गड़बड़ी की वजह से उड़ान को रोक दिया गया था, हालांकि सिर्फ आधे घंटे में गड़बड़ी को ठीक कर लिया गया। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के बाद गगनयान ने बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग की। उड़ान भरने के बाद सबसे पहले टेस्ट व्हीकल क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को आसमान में लेकर गया और फिर 594 किलोमीटर की रफ्तार के साथ क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग हुआ। इसके बाद पानी से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट खुलने के साथ ही इसकी लैंडिंग बंगाल खाड़ी में हो गई। अब यहीं से क्रू मॉड्यूल और एस्केप सिस्टम की रिकवरी होगी। इसरो के इस परीक्षण का मकसद 2025 के लिए गगनयान मिशन को तैयार करना है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि अगर गगनयान मिशन के दौरान कोई भी गड़बड़ी होती है तो अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।